नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा सरकार में मंत्री की ओर से सिरसा जिला के रानिया में एक बड़ा जो कि जन सुनवाई के लिए जनता दरबार लगाया गया है, जहां पर पूरे सिरसा जिला के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में मंत्री लोगों के बीच में सीधे पहुंचे हैं, जहां पर तुरंत मौके पर एक्शन होकर उनकी समस्या का समाधान करवाया जा सके। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं मंच से, ये एक निजी रिसोर्ट में जो कि रानिया रोड पर ये जनता दरबार चौधरी रणजीत चौटाला की तरफ से आयोजित किया गया है। और सिरसा जिला का चौधरी रणजीत चौटाला का ये पहला जनता दरबार है। इससे पहले वो सिरसा में ज़रूर जन सुनवाई करते रहे, लेकिन तमाम ऑफिसर, जिसमें एक्सन एससी की बात की जाए, डीसी एडीसी की बात की जाए, चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो, जनस्वास्थ्य विभाग, बिजली का महकमा हो, पुलिस से संबंधी कंप्लेंट हो, किसी भी तरीके से इरीगेशन का जो भी काम हो, तमाम जो प्रशासनिक अमले के साथ जो मंत्री सीधे जनता की सुनवाई कर रहे हैं, और जहां पर बड़ी संख्या में जो सिरसा के रानिया विधानसभा के जो लोग हैं इस जनता दरबार में जन सुनवाई में पहुंचे हैं। हरियाणा सरकार की कवायद भी है कि सीधे लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। और बड़ी बात है कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की जो कार्यशैली वो बेहद सुगम और सरल है कि वो लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को हल करने में यकीनन जो लोगों को आश्वस्त करते हैं। और आज भी बड़ी संख्या में जो गांव के सरपंचों की बात की जाए, जो शिकायतकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी संबंधित विभाग से उनकी शिकायत है, तो उसका मौके पर जो निपटारा भी किया जा रहा है, और अगर उसमें कोई लेट लतीफ़ी या फिर उसमें कोई लापरवाही बरती गई है तो वो अधिकारियों को लताड़ भी लगाई जा रही है। तो सीधे तौर पर इस चुनावों से पहले चौधरी रणजीत चौटाला की तरफ से एक बड़ा जो जनता दरबार के तौर पर एक बड़ी मुहिम सरकार की, जिसमें लोगों को ऑन द स्पॉट तमाम अधिकारियों के बीच में उनकी समस्या रखने का मौका मिल सके। और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो टर्न बाय टर्न अपनी समस्याएं माइक पर बोलकर बता रहे हैं, और उसके बाद जो मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला हैं वो संबंधित अधिकारी से उसका सवाल पूछ रहे हैं और मौके के ऊपर ही उसका क्या स्टेटस है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जितने भी विभाग हैं सरकार के, उन तमाम अधिकारियों के बीच में चौधरी रणजीत चौटाला यहाँ पर पहुँचे और अपने हलके में पिछले 4 सालों में कितने काम हुए हैं, यह है कितना काम ऑन रोड है, कितना काम अभी प्रपोजल पाइपलाइन में है, तमाम तरीके से जो स्टेटस रिपोर्ट है वो तलब भी कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा जनता के बीच में रख रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो तमाम विभागों से जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जनता दरबार में मौके पर पहुंचकर जन सुनवाई कर रहे हैं और लोगों को फौरी तौर पर जो समाधान है वो दिया जा रहा है। हमने 100 वाली कंप्लेंट दे दी, भाईचारे से भी कह दिया, पंचायत भी पेश कर दी, अभी तक ना तो वो रुपये हुए टैंक पुराने और ना नया आएगी, जबकि राज्य के हिसाब से हमारे 2 नए टैंक और बंद करने चाहिए थे, अभी तक वो पुराने के पुराने पड़े हैं। वो पीछे पानी की बंदी आई थी, तो सारे गांव में खारा पानी पिए, ट्यूबवेल का खारा पानी चलता है, सारे गांव के जाकर ट्यूबवेल में पानी कटो, 15 दिन खारा पानी पिए सारे गांव में। हमारा काम पे पैसा पड़ा है 1 करोड़ से ऊपर। आगे आगे तक माइक 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 अरे अगर एक नहीं हुआ तो मैं आपके लिए लिख के देता हूँ, आप ये 2 मिनट बोल देने का काम करो, मुझे ये हफ्ते में इनके साथ नहीं करता सर, ऐसी मैं ये हफ्ते में तक पहुँचा इन्हें जब तक जवाब दें, हम लोगों की संपत्ति है, लोगों की जरूरत है,
हमारे मुख्यमंत्री ने एक जन संवाद कार्यक्रम शुरू करा है, उसमें उसका ये थोड़ा बड़ा रूप हो गया, जन संवाद हो गया। इसमें पूरे हलके के मैं चाहता हूँ, आप देखिए 1000 से ज़्यादा आदमी आए हैं, ये रानिया हलके का था और लोगों की समस्याएं सुनी गई। उसके साथ ही जो अधिकारी थे उन्होंने अपना बताया, जितने काम अब चल रहे हैं, कितने पाइपलाइन में कितने कंप्लीट हो गए, कितनों के एस्टिमेट बन रहे हैं, वो सब बड़ी ट्रांसपेरेंसी है कि सब लोगों को सामने दिया गया और उन्होंने लोगों की सेटिस्फेक्शन, 1000 आदमी आप देख रहे हैं बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं और सबका खाने का प्रबंध करें, खाना खा रहे हैं। देखिए पब्लिक हेल्थ की भी है, गांव में पानी खड़ा होता है निकालने की बात है, कई सड़कें टूटी हैं उनको रिपेयर की बातें हैं, कई तहसीलदार से उलझी बातें हैं, कई बिजली की बातें हैं, जो आम आपको और हमें शहर में भी है, रहने भी है, कमल अगल मतलब मोटे तौर पे कॉमन समस्याएं आप और हम सारे जूझ रहे हैं, छोटी मोटी हैं वो हो जाएंगे। देखिए हम लिख के देंगे, वो तो कमेटी तय करेगी, पर उसके लिए जो उनके लिए पैरामीटर्स हैं हम पे जो है बेस्ट पॉसिबल वो बना के भेज रहे हैं, मेरा अंदाजा है कि शायद हो जाए। तो सर पुलिस को लेकर के एक शिकायत आई थी, ऐसी कई शिकायतें जीवन नगर चौकी और थाना रानिया से संबंधित है कि जो शिकायतकर्ता होते हैं उन्हीं पे उल्टा मुकदमा कर दिया जाता है, काफी सारी ऐसी शिकायतें हैं। आज तो यहाँ तो ऐसी कोई नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, हमारे पास आई है एक दो शिकायतें, हमने कवरेज भी की है, जीवन नगर चौकी की खास करके बहुत शिकायतें आ रही है। मुझे कोई बताए अगर है तो मैं एसपी साहब के नोटिफाई लाऊंगा, तुरंत एक्शन होगा। मुझे स्पेसिफिक कोई दें, जो एक दो कोई कैसे दे दे मैं करवा दूँ। देखिए हमारी कोशिश होती है कि काफ़ी काम करें, मेरे ख्याल में अगर रानिया में आप रिकॉर्ड में देखें तो पहले कभी 20 साल में इतने काम नहीं हुए जो पिछले 9-10 साल में हुए हैं, और यानी थ्रू आउट स्टेट भी हुआ है, इस करके हम कई जगह आज हरियाणा एक नंबर पे है। ये नहीं, सबका काम बहुत ज़्यादा हुए हैं पैसे से, ये तो पैरामीटर सामने देख लो आप, पिछले 10 साल में कितना लगा रहा है, 10 साल में कितना लगा है, बहुत मोटा पैसा लगा। रानिया शहर में आप जाके देख लें, पहले कुछ था ही नहीं, खंडर पड़ा था, इन 9 साल 5 साल में बहुत पैसा लगा है। तो लोगों की समस्याएं देखिए, अमेरिका को भी पैसा चाहिए, इंग्लैंड जैसे देश को भी देखिए, विकास तो एक पार्ट ऑफ रेगुलर लाइफ का है, उसमें तो रहेगा, आज कुछ है कल अगला बदला जाएगा, तो लोग नई नई चीज़ चाहेंगे होंगी जो जमाने से बदल दिया कर रहे हैं। तो सब आदित्य देवीलाल भी काफ़ी खफा नज़र आ रहे थे, सवाल उठाए उन्होंने भी नेताओं पे और पुलिस पे, प्रशासन पे, अधिकारियों पे, उन्होंने कहा कि एसपी डीसी को टिकट दे दे चुनाव में, यही चुनाव लड़ देंगे पब्लिक का। पता नहीं, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, क्या कहा वो हाईकमांड देखे, उनका मामला है, उन्हें जो जिनको उन्होंने रिपोर्ट करी है वो उस पर देखेंगे, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं इस पर नहीं कहूँगा। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कह चुके हैं जो अधिकारी कार्यकर्ताओं के चक्कर कटवाएंगे तो वो लगातार चक्कर अधिकारियों में कटवाते हैं। हाँ बिल्कुल कह के गए, मैं भी उस मीटिंग में था, हो रहा है, आज भी मैंने आपके सामने ही कहा है, एक आधे ऑफिसर को मैंने स्पेशली खींच के कहा है कि अगर आपके खिलाफ ऐसा है तो मैं एक्शन लूँगा है। बाकी अधिकारी सब अब सब टाइम बाउंड करेंगे ना, ठेकेदारों को भी मैंने खींच कर कहा है, थोड़ा खींचना पड़ता है, कहना पड़ता है, हो रहे हैं। सर सब आज विभिन्न कितनी परियोजनाओं का या कितने रुपयों के सौगात का जो है वो फीडबैक लिया गया अधिकारियों से? देखिए सारा जो अब तक का जितना डेवलपमेंट हुआ है वो सारा है, अब आप कहें जैसे ये रोड बन रहा है बहुत बड़ा, 23 से 30 फुट रोड चल रहा है, कुतावट का पुल है एक, वो 16 करोड़ का बना है, सारे शहर में जो अब लाइटें लग रही हैं, सारा सीवर डल रहा है, बहुत मोटा, अलग अलग एस्टिमेट तो नहीं होता। अब आपका घग्गर पे कितने 2 नए खरीफ चैनल बन रहे हैं, उनका भी पैसा आ रहा है, मतलब अगर सारा हम देखें, सब रोड जो है जितनी सारी रिपेयर हुई है उन पे पैसा लगा है, बहुत मोटा पैसा लगा है, पूरे हल्के में तो बहुत पैसा। अगर सारे डिपार्टमेंट अगर मिलाए जाए जिस तरह से इरीगेशन है, पब्लिक हेल्थ है, अरे मैं आपके बताऊँ, देखिए मैं आपसे एक बताऊँ, सारे डिपार्टमेंट का अगर लें तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 300 करोड़ रुपया लगा, बहुत मोटा पैसा। आप जो काम है जी रानिया में और क्या कार्यक्रम रहेंगे आगे, गांव में जाऊंगा जी, सब लोगों से मिलूंगा, इनसे मिलना, इनकी समस्याएं बहुत दूर करूंगा, और चुनाव है उसके लिए लोगों से जाके पार्टी के लिए तैयारी करेंगे। तो आपने कहा कि मैंने आपके सारे काम किए हैं, अब एक काम मेरा भी कर दीजिए। हाँ, जो
जिले शिविर में बुला करके एक बार फिर से जो है फिर से इकट्ठे होकर मदद करें, चुनाव जीते। ठीक है, धन्यवाद। तो सर आप जो अधिकारी को काम सौंपते हैं क्या वो कंप्लीट होते हैं? एक भी ऐसा अधिकारी ने जो मेरा काम नहीं करे, जिसको कह दिया वो काम होता है, जो नहीं होने के बाद उसमें मैं उसका रीज़न समझ लेता हूँ। देखिए मुझे लोग इतने लोग काम देके जाते हैं, सारे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, उनकी फाइनेंशियली फिजिबिलिटी नहीं होती, इम्प्लीकेशन नहीं हो सकती, जो है विद इन फ्रेमवर्क है वो सब काम होता है 100%। अधिकारी आए हैं उनकी समस्याएँ आपने कार्य के समक्ष लिखी है, उनको क्या टाइम बाउंड किया गया, कब तक? टाइम बाउंड सारे रिप्लाई करेंगे, कितनी कंप्लेंट्स आई हैं और उन पे किस किस डिपार्टमेंट की कितने, ये मुझे डिटेल देंगे, 10 दिन बाद मुझे ये देंगे कि इतने पे एक्शन होगा। सर साहब कुमारी पिछली बार बाढ़ आई ना, हमने पूरी तैयारी कर रखी थी, मैं भी रोड पे घूम रहा था, अधिकारी भी रात को बंद पे घूम रहे थे, कहीं कुछ नहीं टूटने दिया, हमें पूरा भरोसा है, पूरी तैयारी करके। बाकी देखिए परमात्मा के आगे किसी का हिमालय के पहाड़ भी चले गए, कितना पिछली बार हिमाचल में हुआ था, परमात्मा के आगे कुछ नहीं करनी है। दिल्ली में लाल किले तक पानी चला गया, पानी पानी होता है, नेचर नेचर होती है, उसका आदमी मुकाबला नहीं कर सका, पर हम अपने आप में बहुत हौसले में कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, लोगों को बचाएंगे। टिकट को लेकर के थोड़ा सा कितने का आश्वासन था, पक्की मानी टिकट? देखिए टिकट तो हाईकमान देगा ना, मुझे पता नहीं था, पिछली बार मुझे आधा घंटा पहले फ़ोन आया कि आप अपना टिकट दे लो, अब जब तो मैं पार्टी में नहीं था, अब तो पार्टी में हूँ, तो पार्टी को मैं नजर आ रहा हूँ, आप अपना पार्टी का फैसला मुझे जो हुक्म करूँगा। एक सवाल और, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 12 तारीख को देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी के नेता हैं, वो कहाँ क्या प्रोग्राम लाए, कब उनका रद्द हो जाए, क्यों कैंसिल हो जाए, मैं इस गणित को क्यों देखूँ, मैं तो मेरी पार्टी का काम देखूँ। कोई आ जाए, हुड्डा साहब लड़ लें, कोई लड़ दे, किसी को उनकी पार्टी है कोई लड़े, ये तो उनका फैसला ना, किसको करेंगे, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद।